काम से जाना है, उसके दोस्त क्या मतलब ऐसी मिलेगी भी नहीं। मैं तुझे अच्छी भी तो लगनी चाहिए, तुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही यार। कहा नहीं अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। तो बबली को ये शर्ट पसंद आ गई है तो इसलिए कह रहा हूँ प्लीज दे दे। बबली कभी कभी तो मांगती है कोई चीज, कहती तो उसके चेहरे पे ज्यादा सूट हो रही है ये शर्ट। तो भाई अरे हट जाए लग गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज रंजना पर एक प्रैंक करने वाले हैं। हुआ यह है प्रैंक कि रंजना ने कल ये ऑनलाइन उसका एक नया टॉप आया है जो उसने बड़ी अपनी पसंद से मंगाया है, उसने अभी पहना भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो है ये मैंने छुपा के रख लिया है और ये मैं ले आ रहा हूँ बबली के लिए। क्या बोला तूने? तो प्रैंक यही होने वाला है कि अगर वो उसकी बैक पेस पर नजर जाएगी तो उसने पूछेगी कि किसके लिए छुपाया, तो वो समझ जाएगी कि ये मैं बबली के लिए ले आ रहा हूँ या मैं उसको बोलूंगा। पहले तो चुप रहूंगा फिर बोलूंगा, तो देखते हैं उसके रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो दोस्तों देखो मैंने जानबूझ के ना ये जो टॉप है वो इसमें मैंने जानबूझ के निकाल रखा है। उसकी नहर पड़ेगी जब ले जाऊंगा तब। वैसे भी मैंने आज मैं बोला है उसको कि मैं कहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें लैपटॉप लेके जा रहा हूँ मैं, तो दोस्त क्या जा रहा हूँ मतलब मैं थोड़ा काम है, तो बस ये शर्ट निकली हुई देखेगी तो मजे आएंगे बस। ठीक है, तब तक इसको ऐसे रख देते हैं। Much later. जाना नहीं है फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा रहा हूँ ऐसे कर रहे, पता नहीं क्या देर हो गई है मुझे, दोस्त कहीं तो जाना है। जाओ ना जल्दी, मुझे आराम करना है। जाओ ना, नींद आ रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। गजब बेइज्जती है। जा रहे हैं यार। कितने बजे तक आओगे? क्या कितने बजे तक आओगे? अरे एक दो घंटे का काम है तो ही आ जाऊंगा। जाओ जल्दी। मेरा दोस्त है तो हो सकता है उसके साथ और भी कहीं जाऊं, अगर लेट भी हो जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? मरना तेरे को डर नहीं लगता? कहाँ जाओगे? पार्टी करने? तो पार्टी करने का काम से जाना है, उसके दोस्त क्या ये क्या? ये फंस गया। मेरी नई शर्ट, ये क्यों रख के ले आ रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी नई शर्ट ये क्यों ले जा रहे हो? मेरी नई शर्ट क्यों ले जा रहे हो? क्यों कहाँ ले आ रहे थे? अरे इसमें ना एक बटन था वो निकल गया था, उसको लगवाने लिया। चालाक चालाक ब्रो चालाक। मैं लगवा लूंगी ना, तुम्हें क्या जरूरत है लगवाने की? टूटा तो मुझे बताना चाहिए ना, कहीं नहीं टूटा, मैंने सब देख लिया है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आदमी आदमी वाले कपड़े पहना करो क्या, औरतों के कपड़े पर नजर डालती हो? तुम्हें ये शर्ट इतनी अच्छी लगी कि तुम्हें पहनोगे, तुम्हारे साइज की है ये? आ जाएगी। मैंने बोला है कि मैं पहनने के लिए आ रहा हूं, जब बोला है कि उसका देख एक ऐसा हुक सा आया या बटन सा है, मुझे लूज सा लग रहा है तो सही करवाने ले आ रहा हूं। तुम्हें इतनी चिंता कब होने लगी मेरे कपड़ों की? इतनी ज्यादा चिंता मुझसे बिना पूछे रख के ले आ रहे? प्यारी समझ गई, बटन सही करवाने के लिए। क्या मैं सही नहीं कर पाऊंगी इसे बटन को? तेरे पे अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी, कल तूने पहन के दिखाई थी, इसलिए ले जा रहा हूँ। इसी साइज में एक और शर्ट लेके आऊंगा, डेनिम में या किसी और। अच्छी में नहीं लगेगी का क्या मतलब है? तेरे को मेरी वो ग्रीन डेनिम शर्ट बड़ी अच्छी लगी थी ना, तो मैं इसी साइज की डेनिम शर्ट लेके आऊंगा तेरे लिए। ग्रीन शर्ट का रेट देखा, 1500 रुपए की है ये। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ऐसी नहीं, इसका फेब्रिक देख लो, कपड़ा देख लो, रंग प्रिंट देख लो, कितनी अच्छी कंपनी, कितनी अच्छी शर्ट है ये, ऐसी मिलेगी भी नहीं। मैं तुझे अच्छी भी तो लगनी चाहिए, तुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही यार। कहा नहीं अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, कल जब पहना था तो कह रहे थे कि हाँ अच्छी लग रही है। तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, मैं सही बता रहा हूँ वास्तव में। कल पहना था तो क्यों बोल रहे थे फिर?
तेरे फोटो खींचे थे कल, तूने इसको शर्ट को पहना था, वो फोटो मैंने ऐसी बबली को सेंड किए थे, बबली भी बोल रही थी नहीं अच्छी लग रही। तुमने मेरे फोटो बबली को क्यों सेंड किए? ऐसी दिखाई थी मैंने, उसको ओपिनियन मांगा था नहीं। मैंने जो न्यू शर्ट ये दिखाई थी तो वो मैंने की देख रंजना ने कितनी अच्छी शर्ट मंगाई, तो वो ऐसा बोल रही थी बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। वो होती कौन बोलने वाली अच्छी लग रही नहीं लग रही, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो पहनूं। तुमने उससे क्यों पूछा और तुमने मेरा फोटो उसको क्यों सेंड किया, क्यों दिखाया? मेरी मर्जी, ऐसे ही दिखा दिया तो उसने क्यों दिखाया? बहुत ज्यादा नहीं बात करते रहते उससे, लिमिट में रहो ठीक है ना। दिखाया नहीं है, सेंड किया था उसने, देख लिया। क्यों किया? मैंने बोला था, मैंने अपनी दीदी से पूछा था और निक्की से पूछा था, उसको बहुत पसंद आ रही है, कह रही अच्छी लग रही है, ठीक है चलो यहाँ से निकलो, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं। तुम रख के क्यों ले आ रहे थे ये बताओ? सुनो मैं तुम एक बात कहूँ तुमसे, तुम बोल रही हो 1500 रुपए की शर्ट, मैं तुम्हें 5000 रुपए दे रहा हूँ, तुम अपने लिए ऐसे ही 2-3 और मंगा लो या एक बढ़िया सी मंगा लो, बढ़िया सी मंगा लो, 5000 रुपए दे रहा हूँ ठीक है। मुझे रिश्वत देने की कोशिश क्यों कर रहे हो, किस लिए ये कृपा की जा रही है मुझे बताओगे? अरे बताओगे? मैं बोल तो रहा हूँ 5000 रुपए में मुझे सेट बेच देना है। मुझे नहीं चाहिए 5000। अरे यार बेच दूं क्या करोगे तू? यार समझती नहीं है यार, तुम क्या करोगे इसे खरीद के, तुम पहनोगे? इधर तो दिखा, आप दो ना, आप दो ना। अच्छा दिखाओ तो सही, दो एक मिनट, दो तो सही। देखो 5000 रुपए में जो ये शर्ट है ठीक है, अगर देखो 1500 रुपए की शर्ट है, ऐसे तुम 5000 में बेच दो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है, बोल रहा हूं तुमसे। तो मैं ऐसी 3 शर्ट और मंगा सकती हूँ 5000 में। मैं नहीं बेच रही, क्या क्यों बेचू ये बात, रीजन दे दो क्यों बेचू। तब गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, तब कर, तब बेच दूंगी, रीजन बता दो, बता दो तब बेच दूंगी। कल जो फोटो भेजा था ना तेरा बबली को, बबली को ये शर्ट पसंद आ गई है तो इसलिए कह रहा हूँ प्लीज दे दे। बबली कभी कभी तो मांगती है कोई चीज, कहती है मेरे को ये शर्ट बहुत पसंद आ रही है, मैंने उसको बोल भी दिया यहाँ से ले ले, यहाँ से बोले लिंक भी दे दिया, तो उसको मिला ही नहीं है, वो करी सब सेल आउट हो चुकी है। अच्छा हमको सिखा रिया है, इसलिए तेरे को 5000 रुपए दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज दे दे, प्लीज मान जाकर। मेरे कपड़े उसको दोगे? बबली तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती है, मतलब मेरी पसंद की हुई चीज तुम उसको दे रही हो, 5000 रुपए तक देने के लिए तैयार हो मुझे उसके लिए? अहमियत की बात नहीं है, अहमियत की बात नहीं है, बात यह है कि कोई चीज हमारा जानकार वाला है और उसे कोई चीज पसंद आ गई तो फिर कोई रिक्वेस्ट करे तो दे देते है ना। मतलब बीवी क्या चाहती है वो जरूरी नहीं है, वो क्या चाहती है वो बबली, वो ज्यादा जरूरी है, उसके लिए तुम मुझे 5000 रुपए देने के लिए तैयार हो। ऐसा था ना, मैंने तूने जो शर्ट कल पहनी थी ना, तो मैंने तेरे जो फोटो पे उसका चेहरा लगाया था, तो उसके चेहरे पे ज्यादा शूट हो रही है ये शर्ट। मीने आदमी तुम कुछ ज्यादा ही हद से बाहर नहीं जा रहे हो, अपनी हद में रहा करो ठीक है। आई एम सॉरी बाबू। लड़की का भूत पता नहीं कब दूत रहेगा तुम्हारे सिर से, किसी दिन ना उसको जाग 20 रात पे गोली मार के आ जाऊंगी, जान से मार दूंगी इसको ठीक है। मेरी शर्ट नहीं है, उसको लगा उसमें ज्यादा अच्छी लगेगी। सही कह रहा हूँ मैं, तेरे पे नहीं लग रही अच्छी, उसी पे ज्यादा अच्छी लगेगी, वो कह भी रही थी ना अच्छी लगे फिर भी मैं पहनूंगी। उसने बोला है मुझसे कि वो मेरे को शर्ट पहन के दिखाएगी तो वो क्लीवेज दिखेगी तो सेक्सी लगेगी। यही सब देखना है तुमको, इसी ले जा रहे हो उसके लिए? देखने से क्या, मैंने तो सब कुछ देख रखा है उसमें, क्या कोई नई चीज देख और क्या क्या देखा, बताओ और क्या क्या देख रखा, बताओ जल्दी, आज तुम्हारा ना खात्मा आज मैं करी दूंगी। बहुत बहुत तुम्हारे पापा की जय, जो ऐसा महान पुत्र पैदा किया उन्होंने जिसका एक पेट नहीं भरता ठीक है। जैसा माँ के बारे में बोलोगे वैसे ही सुनोगे, ज्यादा बकवास मत कर ठीक है, उल्टा सीधा बोलती है। मैं तो करूंगी बकवास, बोलो हाँ।
क्यों मेरे कपड़े उसको ले आके दोगे लड़की को? अरे हिम्मत कैसी, सोच कैसे लिया तुमने? हट जाओ, इस पर नजर मत डालो, जान से मार दूंगी। फोटो तो मेरे पास है ना, चाहे पूरे दुनिया में ढूंढना पड़े, बबली के लिए ऐसी सेट ला के दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ढूंढ के ला के दूंगा। 5,000 क्या 10,000 रुपए खर्च कर लूंगा, अब तू घंटा उकाड़ ले तू, ठीक है? ना प्यार से बात करो तो तुम्हारे दिमाग खराब हो जाते हैं तुम्हारे। तब तो जाओगे ना तोड़ के रख। सिर्फ इतना सा बोला तुम्हारी माँ तो तू के गाली देने लगी है? मैंने तो जय करी, मैंने गाली नहीं दी। मैं भी यही बोल रहा था, तुम्हारी माँ को शिकायत करूंगा, अभी मारती है। मैंने भी बोल दी तुम्हारी माँ पा की जय, जिन्होंने इतना महान पुत्र पैदा किया जिसका एक से पेट नहीं भरता। मैंने कुछ गलत बोला? हाँ, जब सुनने के लिए क्षमता ना हो ना तो बोला भी मत करो। घर में बैठा कोई नहीं जाओ तू, ठीक है ना? अबे जा, तेरे कहने से रुक जाऊंगा मैं। मेरे कहने से ही रुकोगे? मैं रुकूंगी तुम्हें, कहीं जाना नहीं, घर पर बैठ जाओ। उस कुतिया सी तकल पे ये अच्छी नहीं लगेगी, मेरे पास ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है? मुझे अपने दोस्त से काम है, कुछ लैपटॉप के सॉफ्टवेयर वगैरह लेके आने हैं, और तू दिमाग खराब कर रही है। कौन से दोस्त के पास जा रहे थे बेटा? सब पोल खुल गई तुम्हारी, ठीक है ना? ज्यादा चालाक मत बनो। बबली के पास जा रहा होता ना तो लैपटॉप लेके नहीं जा रहा होता, सीधे सिर्फ पैसे ही चला जाता मैं, ठीक है? मुझे सब पता है, तुम बहुत चालू आदमी हो बेटा, भगवान ने भी मुझे तुम्हारे लिए इसीलिए नहीं बनाया। सही पकड़े हैं, इसीलिए बनाया बेटा, इस आदमी को ठोक पीट के सही कर दो, ठीक है? तुमको ठोक पीट के सांचे में डाली लेंगे, सही कर देंगे, चाहे जितने ज्यादा मत बनाता, ठीक है? कुछ कहता नहीं है तो उससे क्या कहोगे? फालतू में धक्का दे रही है, फालतू में धक्का दे रही, बेफालतू में धक्का दे रही। बबली के लिए लेके जाऊंगा। पट गई। ले, बिल्ली खाएगी नहीं तो दूसरों को खाने भी नहीं देगी, फैला देगी। कह रहा था बबली के लिए ले आने दे। अब फट गई, अब तो दे दे, मैं सिलवा के दे दूंगा। मत तू फटी हुई पहन के क्या करेगी? मैं पहन लूंगी, फटी मुझे पसंद है, आजकल फैशन में फटी हुई पहनने का, ठीक है? आदमी तो ले लिया, शर्ट भी ले लेगी, कोई नहीं। उंगल टूट गई, मैं बता रही हूं, उंगली दूसरी तोड़ दूंगी तुम्हारी। इसमें नाना ये शर्ट तो मैं दे के रहूंगा तुम्हें। बबली ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट किया है तो मैं भी उसको बदले में गिफ्ट करना चाहता हूँ। तुझे पता है बबली ने ये जो फिश का कपल दिया है, बबली ने पता मुझसे क्या बोला था? नवीन एक तुम हो एक मैं हूँ। चल झूठा, एक नवीन एक ये बबली, तुम्हें पता ही नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा ये मैं खरीद के लाया था? नहीं, ये बबली ने दिया था मुझे। ये मेरी चीनू मीनू है, रख दे चुपचाप से। मेरे चीनू मीनू नहीं है, एक बबली है, एक मैं हूँ। नहीं है तुम, तुम्हें पता भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ बदले में उसको ये गिफ्ट दे दे, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था, ये मुझे ले आने दे। झूठ मत बोलो, ठीक है ना? झूठ मत बोलो, वो मेरी चीनू मीनू है। चीनू मीनू तुमने
गिर जाती ना, टूट जाती हूँ, लग जाती उनके, मर जाती बेचारी। समझ गया समझ गया। तो करती फालतू बात और कुछ नहीं है रंजना, तू पता कभी ये नहीं सोचती है। नवीन जो चाहते हैं उनकी खुशी के संग मेरी खुशी होनी चाहिए यार। अरे हट जाए, लग जाएगी, प्रैंक कर रहा हूँ पागल। बस हवा निकल गई, प्रैंक चल रहा है। गिफ्ट फॉर एक्स गर्लफ्रेंड, मेरी याद तो फट गई ना संजय मैं। तो फट गई तो मैं क्या करूँ, खींच रही थी लाल निकल गई। प्रैंक कर देगा उस लड़की का नाम तो मेरे सीबीआई कर दिया करो। हाय आगे मीने को कुछ नहीं मिला तो मेरी शर्ट ही ले ली। तो फ्रेंड एंजॉय किया मेरे प्रैंक को कि नहीं? बेचारी की इतनी प्यारी सी शर्ट को मैंने बबली के लिए लिया था, आत्मा इसकी फड़फड़ा होती। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।